कोई आम जनता परेशान नहीं है, सबको रास्ता दे रहे हैं हम। यहाँ खुलवा ये रोड भी नहीं, नहीं अभी अभी भी अभी भी खुलवा रहे हैं उसको, जाएंगे करो ऊपर का भी खुल गया। जी नहीं वहाँ से ज्यादा खराब हो जाए सर, कृषि मंत्री ने न्योता दिया है बात करने के लिए, कर रहे बात बात कर रहे रामपुर में रोक दी कृषि मंत्री ने रामपुर में सर चौधरी साहब सर लगातार यही बात कह रहे कि तोमर जी ने न्योता दिया आप लोगों को बुलाया। अच्छा चलेंगे कहाँ है वो हमें भी दे दो ना कार्ड, कहाँ है नोते वाला आपको बता देना कि न्योता दो ना तो आप खुद ही आप जाओ। नहीं आपके लिए दिया है आपको ऐसे कैसे दिया, हम सीधी बात कर लेंगे। सरकार तो किसानों से परेशान है ना, हमसे परेशान थोड़ी है। नहीं नहीं देखेंगे ना, हमारे तो परेशान नहीं, परेशान होती तो हम लोग को बात करते हैं। अरे परेशान होती तो बात करते हैं, सरकार ने नोटा दिया आपको बात करने। नहीं अभी 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 नहीं दिया, नहीं दिया आपको। राकेश मुझे लग रहा है चिंतित किसान ही चिंतित सरकार है कि कुछ समाधान जल्द। कोई परेशान नहीं हो रहा भाई, ये ना प्रचार चलाओ, परेशान कौन परेशान हो रहा सर, अभी जनता परेशान हो रही है। खोल दिया ना, खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया गया हाँ खोल दिया। अरे क्या पता क्या होगा भाई, क्या पता नहीं नहीं कर रहे गैप बनाए रखो, देखेंगे करेंगे बात। अच्छा कहाँ है आपके कोई नहीं है, बात करेंगे सरकार से बात करेंगे करेंगे। राकेश बिल्कुल हितेन बिल्कुल हितेन में पूछती हूँ राकेश जी, राकेश जी दर्शन पाल जी ने की मेल लिखा था विवेक अग्रवाल को, विवेक अग्रवाल जो सेक्रेटरी उन्होंने वापस पे रिप्लाई किया किसान संगठनों को, बोला कि आप एक तारीख बताइए और हमसे न्योता के लिए न्योता दे रहे बातचीत के लिए विज्ञान भवन आइए। ये बातचीत मेल में है राकेश जी, तो जैसे तय करेंगे अगर उन्होंने कहा है क्या डिसाइड होगा पूरी कमेटी तय करती है। तो आप सिंगू बॉर्डर पे अब तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं? नहीं हो रही चर्चा हमारी, जैसे वे तय करेंगे ऐसे ही हम करेंगे। राकेश जी ऐसा क्यों लगता है कि आप बात करने के मूड में नहीं है? नहीं नहीं हम तो हैं। है तो आज 2 बजे सिंगू बॉर्डर जाके बातचीत करेंगे, अभी देखेंगे मीटिंग है क्या। राकेश डिसाइड कर रहे होंगे आप बता नहीं रहे, आप बताइए हमको भी क्लैरिटी। जब 2 बजे वाली चीज आएगी तो 2 बजे बात होगी तो 3 बजे बताएंगे ना, 5 बजे बताएंगे। अब क्या मीटिंग होगी उससे पहले कैसे बता दें। राकेश जी 10 बजे पंजाब जत्थेबंदियों की मीटिंग है और 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की, ये सारी डिटेल आपके पास होंगी लेकिन आप हमको बता नहीं रहे। अच्छा जब होगी तो बताएंगे ना, अंदर की मीटिंग क्या होती है वो नहीं बताने। सर आज जो 10 बजे मीटिंग होने वाली किसानों की उसमें मेन बिंदु क्या रहेंगे सर, कुछ तो बताइए। मेन बिंदु ये है कि यहाँ की देखभाल करेंगे, यहाँ किसी को आने जाने वालों को परेशानी न हो उसकी बात करेंगे, सब चीज देखेंगे। आप क्या आज तारीख तय हो जाएगी विज्ञान भवन में बैठक के लिए? क्या पता क्या होगा, क्या पता सर 26 जनवरी भाई 6 घंटे पहले कोई बात बता देगा कि 6 घंटे बाद में क्या होगा। कुछ तो दिमाग में लेकिन मैं पंडित जी ना बन जाऊंगा, ज्योतिषी बन जाऊंगा, यही नहीं बताऊ जाऊंगा। 26 जनवरी पे क्या होने वाला ये बता दीजिए। 1 महीना 26 जनवरी पे तिरंगा फहराएगा हाँ, किसान क्यों नहीं फैला सकते क्या कोई। राकेश जी बात अब ये भी हो रही है कि गृह मंत्री से नीचे आप लोग बात ही नहीं करेंगे, तो इस बारे में भी कुछ है? ऐसा नहीं, हम तो किसी से भी कर लेंगे, हम तो किल रखू से बात कर लेते हैं। तो आप मतलब गृह मंत्री के अलावा कृषि मंत्री पीयूष गोयल सबसे कर लेते हैं, सबसे कर लेते हैं। सर किसान चौपाल सरकार चला रही है बैठक जा रहे हैं, बताइए तो हमें बुलवाओ चौपाल में, कहाँ है चौपाल बुलवाइए बुलवाओ। वो मास्टर जी मिले आपको? हाँ नहीं मिले मास्टर जी मिले आपको? 43 में से 30 संगठन कह रहे हैं कि वो गृह मंत्री से नीचे बात ही नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक कह रहे हैं, तो यही तो मैं आपसे पूछ रही थी अभी, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, जो वे कह रहे हैं वही ठीक है। तो भाई जो 30 कह रहे हैं तो उन्हीं की बात माननी जानी चाहिए, तो हम भी उन्हीं के साथ है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री से नीचे बात नहीं करेंगे? नहीं अगर वे 30 कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। सर कुछ किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं बिल का सर। अच्छा कहाँ है मिलवाओ हमारे राकेश जी, सुबह सुबह आप ये जो गोल गोल मुझे जवाब दे रहे हैं हजम नहीं हो रहा है मेरे कैमरा को भी और दर्शकों को भी, थोड़ा सटीक जवाब दीजिए राकेश जी। क्या जवाब दो बताओ राकेश जी, सब कोई जानना चाहते क्योंकि देखिए यहाँ गाजीपुर में लीड आप कर रहे हैं, यहाँ लोग आपकी बातें मानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मानते, तो आप तो बताइएगा ना कि हो क्या रहा है। हो तो बिल्कुल ठीक रहा, अपना नाव धो और अपना आराम करो, गाने बाने बजाओ, खाना खाओ, लंगर भंडारा चलाओ। वापसी की कोई चिंता नहीं आंदोलन वापसी करने की कोई चिंता नहीं, वापसी कहाँ जाएंगे, वापसी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, घर नहीं जा सकते ठीक है। घर वालों ने कह दिया कि लड़ाई हर का नहीं आनी, घर तो जाने के तो लड़ाई नहीं नहीं सवाल मसले हैं, बहुत बहुत मसले हैं, 32 साल बाद में आंदोलन शुरू हुआ है तो बहुत मसले हैं किसानों के। राकेश अगर सरकार कहते कि पूरे कानून में चेंजेस कर देंगे, रद्द मत करवाइए तो मानेंगे आप? ना ना मानेंगे, रद्द करवाएंगे। और लग रहा है कि कितना समय लग जाएगा इसमें? इसमें लगेगा अभी 1 महीने से ज्यादा लगेगा, यानी कि पूरा जनवरी इसी में निकलेगा। हाँ जनवरी के आसपास जाएगा रास्ता बैठेगा।
तो आपको लगता है चौपाल खत्म करने के बाद आप ही के पास आएंगे सरकार के लोग? हाँ आना चाहिए उनको, आना चाहिए। आपका पूरा भरोसा सरकार आएगी झुकेगी? आएगी, झुकाना नहीं हमें किसी को, लड़ाई ये हराने जिराने की थोड़ा है। राकेश जी सिंघू बॉर्डर पे सब कह रहे हैं पंजाबी जत्थेबंदी की राकेश जी ट्रैक्टर की चाबी लेकर चले गए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ नहीं ठीक कह रहे, ट्रैक्टर की चाबी लेकर चले गए। हाँ ले तो क्या वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही थी या फिर वो उलझन की सुलझन की चाबी आपके पास? हाँ सब है, सब है, सब किसानों के पास में है, सुलझा होंगे। डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति, करेंगे पूरे दिन का काम करेंगे, अभी देखेंगे थोड़े पीछे ना चिट्ठी पत्री देखेंगे रात क्या क्या हुआ, अब क्या क्या हुआ, क्योंकि हम भी 3 बजे सो गए थे। अब तो कोई रास्ता नहीं होगा से। नहीं अभी कर रहे बात, कर रहे बंद। राकेश एक खबर ये भी आ रही कि 9 तारीख के बाद आप लोगों की सरकार से अनौपचारिक बैठकें बहुत सारी हुई हैं। अच्छा कहाँ हुई? ये तो अंदर खाने से खबर आ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो बैठक तो होती रहनी चाहिए ना सरकारों से, सिर्फ बैठकें हो रही है या कुछ निकल भी रहा है सलूशन? हाँ उसमें जब भूमि अधिग्रहण एक्ट हुआ तो 4 बैठक उसमें ऑथेंटिक थी और करीब करीब 18 बैठक अनौपचारिक थी। अब भी हो रही, अब भी ये अनौपचारिक तो है, जिन लोगों से मिलते हैं ये वैसे ही है, ये कोई फोन रिकॉर्ड थोड़ा होती है, जो बैठ कर चर्चा करते हैं हम, ये वही तो है। तो आप भी सरकार से अनौपचारिक रूप से बैठते हैं तो सरकार भी समझाती होगी, आप भी उनको समझाते होंगे तो कुछ निकल, यही तो सरकार है, ये जो खड़े यही तो सरकार है, और कौन सी सरकार है? हमारी सरकार तो यही है, किसान हमारी सरकार है। राकेश जी लगभग 1 महीना हो गया है आप लोगों के यहाँ बैठे हुए, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, क्या होगा? अभी तो है यही और समस्या का हल निकलना चाहिए, सब लोग इसी में लग रहे कि समस्याओं का हल निकले। सरकार पूरी तरह से नकार चुकी है कि वो बिल वापस नहीं लेगी, और वह किसान भी कर चुके हैं कि भाई ये भी वापसी नहीं जाएगा। नहीं यही है, कब तक का तो कोई लिमिट थोड़ा, अब भाई घर वालों ने मैंने कर दिया कि यहाँ नहीं आना, बिल वापसी सरकार नहीं ले रही, अब क्या इसका हल निकलेगा, क्या इसका रिजल्ट होगा इस आंदोलन का? आज बैठक है किसानों की, क्या कुछ बैठक में किस मुद्दों पे बात होगी, क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा सरकार को? बात करेंगे, अपनी आपस की बात है, वो तो अपनी सलाह करेंगे ना, उसमें अपनी सलाह करेंगे, बताने लगा कि नहीं, नहीं नहीं क्या बताना है, क्या बता किसके क्या सुझाव हमें, हाँ बैठक से पहले थोड़ा बताना चाहिए कुछ। सर किसान कृषि मंत्री तोमर ने न्योता दिया है कि किसानों को वो आगे बात करें और वो बदलाव करने तैयार है, तो क्या आप जाएंगे अगर वो बुला रहे हैं? नहीं हमारे पास तो नहीं आया अभी कुछ, सलाह करेंगे अगर कुछ आई होगी, किसी का कार्ड वार्ड कुछ आया होगा तो बात करेंगे। तो राकेश टिकैत जी जाएंगे अगर किसान? क्या पता कौन कौन जाएंगे, वो तो कमेटी तय करती है, कमेटी। जिस तरीके से कल ये NH9 भी बंद कर दिया है, दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हुई है। नहीं नहीं कोई नहीं बंद करा, 12 मिनट के लिए आए थे लोग, उन्हें बताने आए थे दिल्ली वालों को, भाई हमें ये परेशानी नहीं है, आप अपने घर जाओगे तो सलाह करना बताना।